दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा T20 मैच बड़े अंतर से जीते तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे T20 मैच जीत के बावजूद अब तीसरे T20 मैच जिम्बाब्वे को रोकने के लिए भारतीय कप्तान ने प्लेइंग 11 में कर दिए हैं एक साथ तीन बड़े बदलाव। ऐसे खूंखार खिलाड़ियों को दिया मौका, नाम सुनकर ही थर थर कांप जाएगा जिम्बाब्वे। तो आखिर अब कौन सा खिलाड़ी हुआ कप्तान गिल के गुस्से का शिकार? किस अपने पसंदीदा चहेते को गिल ने प्लेइंग 11 में शामिल कर जिम्बाब्वे की धज्जियां उड़ाने की पूरी तैयारी कर ली है? इस मस्ट विन मुकाबले में कैसी दिखने वाली है भारत की प्लेइंग 11? कौन से हुए हैं बड़े बदलाव? ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस रोमांचक तीसरे T20 मुकाबले में इंडिया और जिम्बाब्वे में कौन सी टीम बाजी मार पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, क्रिकेट में वक्त और जज्बात कब बदल जाए ये कहना नामुमकिन है। जहां एक तरफ जिम्बाब्वे पहले T20 मैच में अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तो 24 घंटे के भीतर ही टीम इंडिया ने दूसरे T20 में उन्हें 100 रन से धूल चटाकर उनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। जी हां, 7 जुलाई को खेले गए रोमांचक दूसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत की टीम ने 20 ओवर में 234 रन बनाए। जिम्बाब्वे को जीत के लिए 235 रन बनाने थे, लेकिन जिम्बाब्वे 18.4 ओवर में 134 रन ही बना सकी। 5 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई है, यानी कि अब तीसरा T20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए मस्ट विन होने वाला है, क्योंकि इस मैच को जो भी जीतेगा वो सीरीज में बहुत तगड़ी वापसी करेगा और फिर उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में दोनों टीमें अब तीसरे T20 में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहेंगी, जिसका शुभारंभ बहुत जल्द होने वाला है। आपको बता दें, इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच रोमांचक तीसरा T20 मैच 10 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान शाम 4 बजे मैदान पर आएंगे। ऐसे में अब भारतीय टीम के लिए ये मैच करो या मरो का हो चला है, जिसका लाइव टेलीकास्ट अब TV पर सोनी स्पोर्ट्स के चैनल सोनी स्पोर्ट्स 10, 5, 4 और साथ ही साथ HDTV चैनल पर देख सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग OTT में आप सोनी लाइव पर देख सकते हैं। OTT में मैच की स्ट्रीमिंग फ्री नहीं होगी, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिच कंडीशन और मौसम का हाल, क्योंकि उसी के हिसाब से अब भारत की प्लेइंग 11 में एक साथ कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आपको बता दें, भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेला जाएगा। हरारे की पिच में पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिलता है, जैसे कि हमने पिछले मैच में भी देखा। अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक के दम पर टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन ठोके थे और 100 रनों के भारी भरकम अंतर से जिम्बाब्वे को हराया था। ऐसे में अब टॉस जीतकर भारतीय कप्तान दूसरे T20 में बैटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 30 तो टारगेट चेस करने वाली टीम ने 20 बार मैच जीता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर 160 रन है। ऐसे में टॉस इस मैच में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जब तक जितने भी मैच हुए हैं दोनों ही मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। ऐसे में टॉस जीतना दोनों कप्तानों के लिए पहला लक्ष्य रहने वाला है। लेकिन हार के बाद जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम भी इस तीसरे T20 में पूरी तरीके से साथ आने वाली है, इसमें तो कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं बनती है। जिम्बाब्वे के इस प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव होते नजर आने वाले हैं। ऐसे में अब उनकी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव होंगे। नई रणनीति को काउंटर करने के लिए कप्तान गिल भी पूरी तरीके से तैयार हैं, और अब जीत के बावजूद उन्होंने तीसरे T20 मैच से ठीक पहले भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर सबको हैरान कर दिया है। जी हां, सबसे पहले आपको बता दें, ओपनिंग क्रम में तो कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जहां खुद कप्तान शुभमन गिल के साथ जाने माने विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ही जिम्बाब्वे की खटिया खड़ी करने के लिए मैदान में उतरेंगे। और पिछले मैच की कहानी एक बार फिर अभिषेक शर्मा जहां दोहराना चाहेंगे, तो वहीं गिल अपनी खोई फॉर्म की तलाश करेंगे। नंबर 3 की पोजीशन पर भी ऋतुराज गायकवाड़ खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले मैच में ही अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता था। ऐसे कुछ इस तरीके से तीसरे T20 में भी ये दोहराना चाहेंगे। लेकिन चौथे नंबर पर अब रियान पराग को प्लेइंग 11 से बाहर फेंक दिया गया है, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में अपना डेब्यू किया था। जी हाँ, उनकी जगह पर अनुभवी संजू सैमसन हमें मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया की बैकबोन के रूप में नजर आने वाले, जिसका नाम ही जिम्बाब्वे के खेमे में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। पहले मैच में भारतीय टीम की हार की बड़ी वजह थी कि टीम में कोई अनुभवी खिलाड़ी नहीं था, और अब वो भूमिका संजू सैमसन तीसरे T20 में अदा करते हमें नजर आने वाले। 5वीं पोजीशन पर साई सुदर्शन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाना चाहेंगे, जो पिछले मैच में प्लेइंग 11 में तो थे लेकिन बैटिंग का मौका नहीं मिला था। ऐसे में उनसे उम्मीद सबको बहुत ज्यादा है। 6ठे नंबर पर अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले रिंकू सिंह तीसरे T20 मैच में भी अपने बल्ले से आग उगलने के लिए तड़प रहे हैं। तो 7वीं पोजीशन पर ध्रुव जुरैल भी खुद को साबित करना चाहेंगे। ऐसे में इस अनुभव और टैलेंट से सजा ये बैटिंग ऑर्डर तो इस बार भी बेहद खतरनाक नजर आ रहा है।
तो वहीं आठवीं पोजीशन पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी पहले मैच के हीरो वाशिंगटन सुंदर के कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी और लाजवाब बैटिंग दोनों से पहले मैच में ऑलमोस्ट टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख दी थी। ऐसे में अधूरे छोड़े गए काम को सुंदर इस मैच में पूरा करना चाहेंगे, तो वहीं फिरकी में उनका साथ निभाते नजर आएंगे रवि बिश्नोई, जिन्होंने पहले मैच में 4 विकेट लिए थे, यानी कि वो अकेले ही जिम्बाब्वे को तबाह करने के लिए काफी हैं। हालांकि फिर पेस डिपार्टमेंट में कुछ खास बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। जी हां, आवेश खान के साथ मुकेश कुमार ही हमें अपनी आग उगलती हुई घातक गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेते नजर आने वाले हैं। और कौन तीसरे T20 में प्लेइंग 11 में जगह बना पाता है? लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारत की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव होने चाहिए? इस तीसरे T20 मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच में शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी के जरिए भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर इस कदर कोहराम मचा दिया जिसके सामने जिम्बाब्वे की टीम घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिरकार कैसे शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारत को तीसरे T20 मैच में जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही में इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जहां पर पहले 2 मैच समाप्त हो चुके हैं। इस बीच भारतीय टीम ने पहले मैच को अपने हाथ से गंवा दिया, तो वहीं दूसरे मैच को अपने नाम करते हुए सीरीज के अंदर वापसी की। और ऐसे में अब दोनों टीमों के बीच तीसरा T20 मैच आज रोमांचक अंदाज से खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत मेदवेरे और इनोसेंट काया ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मुकेश कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में 1 भी रन नहीं दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंदर जमकर रन बटोरे, जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी के जरिए पावर प्ले में 67 रन बटोरे थे। लेकिन इसी बीच जब पावर प्ले के बाद गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई आए, तो उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाज इनोसेंट काया को 38 रनों के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए ब्रायन बेनेट आते हैं, जिन्होंने ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाला और मात्र 5 रन बनाने के बाद 9वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर के सामने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान सिकंदर राजा मैदान पर आए, जहां पर कप्तान सिकंदर राजा ने 11वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए मायर्स मैदान पर आते हैं। इस दौरान मायर्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर में अपना विकेट मुकेश कुमार को 17 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर दे दिया था। तो दूसरी तरफ से कप्तान सिकंदर राजा ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर 108 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में 222 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि इसका पीछा के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से की शुरुआत शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत देते हुए सभी को प्रभावित किया। इस दौरान दोनों ने बड़े ही आसानी से पावर प्ले की समाप्ति तक 78 रन बटोर लिए थे। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी के लिए आए सिकंदर राजा ने भारतीय टीम को पहला झटका 78 रनों के स्कोर पर दे दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को 40 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा के दे दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 2 रन बनाने के बाद 9वें ओवर में गेंदबाज ब्रायन बेनेट के सामने कॉट एंड बोल्ड होकर अपना विकेट दे बैठे, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान पर आए। तो दूसरी तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने टीम को थोड़ी देर तक आगे ले जाने का काम किया, लेकिन जैसे ही अब मुकाबला भारतीय टीम आगे बढ़ती दिखाई दी, तो भारतीय टीम को एक और झटका लगता है, जहां पर रियान पराग 30 रन बनाने के बाद मसुकात्सा के सामने क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं। और इस बीच रिंकू सिंह और शुभमन गिल ने मिलकर टीम को संभाला, जहां पर शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अर्धशतक लगाने के बाद और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए 3 ओवर के अंदर 44 रनों की आवश्यकता थी और इस बीच 2 ओवर के अंदर दोनों की तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिली थी। लेकिन इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए चौतारा ने मात्र 5 रन दिए और शुभमन गिल को 88 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद अब पूरा दबाव रिंकू सिंह पर आ गया था।
क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 19 रनों की आवश्यकता पड़ी। इस दौरान बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव चुरेल अंतिम ओवर में मोजरबानी के सामने पहली ही गेंद पर 1 रनों के साथ विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए।